हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज सुधीर एंड यू आर वाचिंग टू माय चैनल सुधीर म्यूजिकल। तो गाइस, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको राग पाढ़ी के बारे में बताया था और मैंने एक बंदिश कराई थी, तो गाइस आज भी मैं एक सॉन्ग दूसरा कराने जा रहा हूँ राग पाढ़ी, क्योंकि आप अच्छी तरीके से समझ जाए। राग पाढ़ी में वैसे तो बंदिश भी है, लेकिन इसमें बॉलीवुड के सॉन्ग्स वगैरह बहुत गाए गए हैं गाइस, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सॉन्ग से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो मैं क्लासिकल टाइप से ही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस, एक आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि कुछ भाई मुझे ऑनलाइन क्लास के लिए कह रहे थे, तो गाइस मैंने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दिए, एक बैच तो फुल हो गया है। तो गाइस, यदि कोई इच्छुक है तो मेरे इनबॉक्स में व्हाट्सएप नंबर का लिंक मिल जाएगा, आप उससे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो गाइस, यदि ऑनलाइन क्लास के इच्छुक है तो क्लासिकल टाइप से आज भी मैं एक सॉन्ग ले रहा हूँ, और ये श्याम मस्तानी जो कि राग पहाड़ी में ही लिखा हुआ है। तो गाइस, देरी ना करते हुए चलते हैं लेसन की ओर। तो गाइस, आप ये गिटार का फ्रेट बोर्ड देख पा रहे होंगे, तो आज भी मैं आपको राग पहाड़ी के ऊपर ही एक सॉन्ग बताने के लिए जा रहा हूँ। पहले मैं प्ले करके बताऊँगा और फिर मैं आपको समझाऊँगा, तो राग पहाड़ी का ही देखते हैं। इसमें राग पहाड़ी के द्वारा ही मैंने पिछला भी वीडियो जो राग पहाड़ी पर बना रखा है, मैं ये जी मेजर स्केल पर प्ले कर रहा हूँ। यदि किसी भाई को जी मेजर स्केल नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में जाएगा तो लिंक मिल जाएगा, मैंने जी मेजर की पोजिशन बता रखी है। और फ्रेंड्स, मैं इसमें भी जल्दी से बता देता हूँ जी मेजर किस प्रकार से, दो ऑक्टेव में ये प्ले हो रखा है, तो मैं दो ऑक्टेव में आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो देखते हैं गाइस, देखिए गाइस, ये जी कोड, ये जी का पॉइंट। तो गाइस, अगर आपको पूरी डिटेल लेनी है तो पहले मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको जी का मिल जाएगा, और जी के मैंने तीन चार पोजीशन बता रखी है, आप उसे देखिएगा गाइस, तो फिर इस वीडियो पे आइएगा, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। वैसे मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। तो गाइस देखिए, आपको दिख रहा होगा शायद ये पूरा। तो गाइस देखिए, ये जो है ये कोड जी है, ये कोड भी जी होता है गाइस, ये वाला कोड भी जी होता है, तो ये वाले एक से ले रहे हैं हम। सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा। तो गाइस, एक ये कोड आ जाता है, ये भी जी कोड है, किस प्रकार से है, ये डी की पोजीशन का है। यदि गाइस यदि किसी को ये नीचे के कोड नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं नीचे की पोजीशन बता दूंगा किस प्रकार से शिफ्ट होते हैं, क्या होता है। ये डी है, देखिए मैं बता देता हूँ फिर भी, डी डी शार्प ई एफ एफ शार्प देन जी कोड। वैसे जी की पोजीशन ओरिजिनल जो बनेगी गाइस वो ये बनती है, लेकिन हम ऐसे पकड़ कर काम चला लेते हैं गाइस। ये पोजीशन जी की ओरिजिनल पोजीशन है जो यहाँ के बनेगा गाइस। तो गाइस मैं बता दूं आपको, ऐसे भी पकड़ के आप जी को बजा सकते हैं। तो देखिए गाइस, दानी सा ये आ गया गाइस। तो एक यहाँ से सा का, सा रे गा मा पा दानी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा। तो गाइस, सा रे गा मा पा दानी सा, सा तो गाइस इन्हें दोनों का जोड़ दे, पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा गाइस। जो राग पहाड़ी में स्वर जा रहे हैं वो भी मैं बता देता हूँ, देखिए सा रे गा पा धा सा, मैंने पहले बताया है राग पहाड़ी जो है दो रागों से मिलकर बना हुआ है, इसमें जाते समय पांच स्वर लगते हैं और आते समय यानी के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से हम राग के चलन को जानते हैं रागों में। तो गाइस, जो इसका असेंडिंग ऑर्डर है जिसे आरोह कहते हैं,
गाइस जो इसका सेंडिंग ऑर्डर है जिसको आरओ कहते हैं उसमें 5 स्वर लगते हैं सारे का पा ध सा, और जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें पूरे के पूरे स्वर लगते हैं सानी धापा मागर ऐसा। तो गाइस वैसे इस वाले राग में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जो बैक में लग रहे हैं कि उसमें ज़रूरी है सूदी स्वर ही लगे, कोमल स्वर भी लग सकते हैं गाइस। और जैसा कि इस सॉन्ग्स के अंदर एक जगह मातीव्र लग रहा है वो मैं बताऊंगा कैसे लग रहा है बैक में। तो देखिए गाइस पहले बता देता हूँ कैसे, सा रे गा पा ध सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा पा ध सा नी धा पा मा गा रे सा। तो गाइस ये ऐसे चलेगा। तो गाइस देखिए स्टार्ट है सॉन्ग, तो ये श्याम मस्तानी ये श्याम, तो गाइस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सा नी धा पा मा गा गा पा। तो गाइस गा पा पहले मैं बजा के दिखा देता हूँ फिर मैं समझाऊंगा। तो गाइस आप ये देख के समझ गए होंगे, अब मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए गाइस ये गा से पा पे स्लाइड है, सा रे गा पा, तो गा और पा, ये श्याम मस्तानी सारे सानी सारे सा धापा। तो गाइस मैं टैप्स तो नहीं बजा रहा हूँ, आराम से मैं आपको समझा दूंगा लेकिन थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखे सारे गापा दसा, तो गाइस सारे गा पा ध सा, और बैक में सारे स्वर जा रहे हैं जैसे कि मैंने बताया। तो देखे गाइस ये गा से स्लाइड है, ये श्याम मस्तानी। तो गाइस देखे आराम से ये श्याम जो है यहाँ पे स्लाइड है, ये देखिए गाइस ये ऐसे करना है गाइस, ये गा पा ये श्याम मस्तानी।
ये श्याम मस्तानी मद होश पिए जाए। तो कैसे है स्लाइड? तो गाइस ये श्याम मस्तानी सेम है मद होश किए जाए। तो गाइस ये स्लाइड यहाँ भी ले सकते हैं कि ये जाए, यहाँ भी ले सकते हैं, एक ही बात है जाए या कि ये जाए। ये श्याम मस्तानी मद होश किए जाए या किए जाए। फिर गाइस मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओ लिए जाए। तो गाइस स्लाइड का इसमें बहुत यूज है, देखे गाइस ये श्याम मस्तानी मद होश किए किए जाए या जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। तो गाइस इतने देख के आप समझ गए होंगे। गाइस बैक में बहुत शोर हो रहा है, उसके लिए थोड़ा आप ध्यान मत दीजिएगा, आप लेसन पे ध्यान दीजिएगा गाइस। तो देखिए और अब आगे हैं, यहाँ से स्लाइड जा रहा है गाइस दूर दूर रहती है तू मेरे पास आती नहीं मेरे पास मेरे। स्लाइड का बहुत यूज है गाइस इसमें मेरे या मेरे पास आती नहीं होंठों पे तेरे कभी प्यास जाती नहीं। तो गाइस देखिए दूर दूर रहती है तू मेरे पास आती नहीं होंठों पे तेरे कभी प्यास जाती नहीं। यहाँ से स्लाइड है दूर रहती है तू फिर स्लाइड मेरे पास आती नहीं फिर स्लाइड होंठों से तेरे फिर स्लाइड कभी प्यास जाती नहीं ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के। ये मातिव्र यूज हुआ है गाइस यहाँ पे हंस के जहर कोई पिए जाए। तो गाइस एक बार मैं आराम से और बता देता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ से स्लाइड दूर रहती है तू मेरे पास आती नहीं होंठों पे तेरे कभी प्यास जाती नहीं ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। तो गाइस समझ गए होंगे ये स्लाइड में है, देख लीजिए एक बार और बता देता हूँ
तो गाइस आप ये देख के समझ गए होंगे, एक बार मैं पूरा बजा के दिखा देता हूँ। देखिए ये श्याम मस्तानी मदहोश। गाइस आज बैक में काफ़ी शोर हो रखा है। देखे गाइस मैं बता देता हूँ एक बार गा के, ये श्याम मस्तानी मदहोश की जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। गाइस अंतरा दूर रहती है तू मेरे पास आती नहीं, होंठों पे तेरे कभी प्यार कभी प्यार जाती नहीं, जैसे कि तू हंस के दे कोई पिए जाए। ये श्याम मस्तानी मदहोश किए जाए। तो गाइस आप देख के समझ गए होंगे मेरे वोकल पे, अभी मत जाइएगा। तो गाइस आप देख के समझ गए होंगे और आप स्लाइड की प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत अच्छा राग है पहाड़ी। मैं इसमें और वीडियो बना के लाऊंगा, किसी भाई को कुछ समझ ना आया तो मुझे कमेंट करेगा। तो थैंक यू गाइस।